लेट्स ट्राई टू प्रूव डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले एक 2D प्लेन पर दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज सेट टू बी x1, y1 एंड दिस इज अनदर पॉइंट बी। लेट्स से द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज x2, y2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले यहाँ पर इस ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ए पॉइंट इज x1, सो दिस इज x1, 0। इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर लेते हैं एंड दिस पॉइंट विल बी x2, 0। इधर से मेरे पास आ जाएगा दिस इज y1, 0, y1। ये मुझे देगा 0, y2। चलिए इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। कितना एंगल होगा? दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री सिंस दिस इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, सो दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब ए सी कितनी रहेगी मेरे पास? ए सी विल बी दिस इज x2 एंड दिस पॉइंट इज x1, सो ए सी विल बी x2 - x1। इसी तरीके से बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी कितनी आएगी? ये पूरी है मेरे पास y2। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है मेरे पास y1। इट मीन्स बी सी विल इक्वल्स टू y2 - y1। तो ए सी मेरे पास आई x2 - x1 एंड बी सी विल कम आउट एज y2 - y1। y2 - y1 एंड दिस इज x2 - x1। लेट्स कंसिडर राइट ट्राइंगल ए बी सी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी दिस इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज बेस, ए बी इज इट्स हाइपोटेनियस, सो स्क्वायर ऑफ ए बी विल इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ए सी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी कितनी है मेरे पास? ए सी है x2 - x1। तो स्क्वायर ऑफ ए सी कैन बी रिटन एज x2 - x1 होल स्क्वायर। बी सी को लिख सकते हैं y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर ऑफ ए बी। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स सो दैट वी कैन गेट ए बी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स सो दिस विल बी ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो स्टूडेंट, इन टुडेज लेक्चर आई हैव ड्राइव द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर।